सो निपॉन इंडिया का अभी चार्ट का स्ट्रक्चर मैं रिसेंटली देखता हूँ तो हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, बट मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा करेक्शन इस स्टॉक के अंदर भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ये स्टॉक भी मैं पर्सनली ट्रैक कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से ये स्टॉक को भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो ग्रोथ स्टोरी इंडिया का बहुत ही फैंटास्टिक है। निपॉन असेट मैनेजमेंट जो म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है इस सेगमेंट में, इस इंस्ट्रूमेंट में और इस सेक्टर के कोई भी स्टॉक के अंदर। स्लोली एंड स्टेडीली बिजनेस बढ़ेगा और हायर लेवल्स ही हमें देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन जिस तरह पर वैल्यूएशंस महंगे होंगे उस टाइम पे आपको करेक्शन भी थोड़ा आता हुआ देखने को मिलेगा। अभी सभी टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहा हूँ तो नो डाउट अबाउट इट, वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा चार्ट का स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है और मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा करेक्शन इस स्टॉक के अंदर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि 400 रुपीज़ के नीचे ये स्टॉक्स यहाँ से ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा पॉज आ जाए स्टॉक के अंदर, करेक्ट, और थोड़ा साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेट हो और वापस से फिर बढ़ना स्टार्ट करे। तो मैं आपको क्या सजेशंस दे रहा हूँ, जो करंट मार्केट प्राइस है 448 रुपीज़, 449 रुपीज़, यहाँ पर ही एटलीस्ट 50% क्वांटिटी आपको बाय कर लेना है, करेक्ट। और यहाँ से और भी गिरावट होती है तो 420 से लेके 425 रुपीज़ के बीच में अनदर 100% क्वांटिटी, अनदर 50% क्वांटिटी आप लोगों को बाय करनी है तो आप लोग ज़रूर से बाय कर सकते हो। और फिर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो है 400 रुपीज़ का। सो निपॉन इंडिया के ऊपर मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स अगर किसी को भी करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यही चीज़ मैं आपको मेरे इंडिकेटर के ऊपर भी बताता हूँ कि उसके ऊपर किस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, करेक्ट। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो बड़ी टाइम फ्रेम की अगर मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं, अभी भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कुछ प्रॉब्लम है, चार्ट थोड़ा बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, पर यही चीज़ आप देखोगे मेरे इंडिकेटर के ऊपर भी आपको देखने को मिल रहा है। लॉन्ग एग्जिट जो बाय का सिग्नल उसने दिन जनरेट करके दिया था 250 रुपीज़ के आसपास, तो किस तरह से मुंह कैच किया है आप लोग देख रहे हो मेरे इंडिकेटर ने, इस तरह का मुंह आप भी गेन कर सकते हो, कुछ नहीं इंडिकेटर का एक्सेस ले लेना है। अब डेली चार्ट्स के ऊपर भी चार्ट का स्ट्रक्चर देखो तो चार्ट सेल का सिग्नल ही दिखा रहा है, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने आपको जिस तरह से बताया है प्राइस एक्शन ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो एक बार मेरा इंडिकेटर ले लिया तो संकेत सर का साथ 24/7 आपके साथ रहेगा। और मैं मेरे नॉर्मल चार्ट्स के ऊपर बताता हूँ और फिर आपको इंडिकेटर के ऊपर बताता हूँ तो डिट्टो टू डिट्टो ऐसा ही प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से बताया है काम करके देखिएगा, फ़ायदा ज़रूर से होगा। बहुत ही बढ़िया, जतिन स्टील का क्वेरी है, अदानी इंटरप्राइज फॉर नेक्स्ट 1 or 2 months फ्रॉम दुबई। देखो दुबई में है फिर भी आउट ऑफ इंडिया गए हैं, फिर भी मेरा लाइव सेशन मिस करना नहीं चाहते हैं। तो और जो लोग इंडिया में ही रह रहे हैं, अगर वो लोग नहीं आते हैं तो कौन बेवकूफ़ है और कौन होशियार है आप सभी लोगों को पता चल गया है, करेक्ट। तो देखते हैं अदानी एंटरप्राइज में क्या प्राइजेक्शन हो रहा है, मैं ज़रूर से आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा प्राइजेक्शन हो रहा है।